कि पंचों पुराणों को बच्चों को पाठ्यक्रमों के साथ में कैसे शामिल किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। अब मैं जब गुजरात मुख्यमंत्री था, मैंने बच्चों को एक काम दिया था। मैंने कहा भाई बताओ, आपके गांव में सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है, पेड़ कौन सा है, ट्री कौन सा है। जाओ गांव के अगल बगल में जरा घूमो। सो सारी स्कूल जाती थी, टीचर जाते थे, कोई कहता था ये हो सकता है 50 साल पुराना होगा, कोई कहता है ये 100 साल पुराना होगा, कोई कहता नहीं है। फिर वो गांव के बुजुर्गों को पूछते थे, तो फिर वो आइडेंटिफाई करते थे, मन बनाते थे, चलो भाई इन्होंने बोला इसको हम ओल्डेस्ट। तो मैंने कहा गांव वालों को पता होना चाहिए कि हमारे गांव का ये ओल्डेस्ट ट्री है। फिर मैंने उनको कहा कि आप उस ट्री की आत्मकथा लिखो, और आप हैरान हो जाएंगे, कुछ बच्चों ने इतना बढ़िया लिखा था। अब ये चीजें हैं उसको जोड़ती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थरों उसे बनी हुई चीजों में ही हमारे पंच प्राण है। हमारा सामर्थ्य हर जगह पे पड़ा हुआ है, हम उसे उसे जोड़े, उसका गर्व करने के लिए सिखाए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गांव में एक सोशल पॉलिटिकल ऐसे एक वर्कर थे, वो स्कूल में कभी आकर के कहते थे हम लोगों को कि भाई तुम लोग आते हो जाते हो, कहीं कोई पत्थर मिले अगर उसमें कुछ लिखा हुआ हो, आपको लगता है इसमें कोई नकाशी हुई थी कभी, टूटा फूटा पत्थर है, पता नहीं चल रहा है नाक का हिस्सा है कि कान का हिस्सा है, कुछ पता नहीं चल रहा, बस आप लेकर के आइए स्कूल में। और एक कोना बनाया था स्कूल में, वो डाल दिए सब लोग। धीरे धीरे करके वो इतने ढेर हो गया बड़ा, लेकिन उस सब में कोई न कोई वो चीज थी जो कोई 2000 साल पुरानी होगी, कोई 2500 साल पुरानी होगी। बच्चों को तो इतना ही मालूम था, बड़े किसी व्यक्ति ने कहा है पत्थर ले आओ तो वो लेके आते थे, हम भी ले जाके जाते थे, और कभी कभी तो ढूंढते रहते थे यार देखो कोई मिलता है क्या, लेकिन वो बाद में जाके विरासत बन गया। मेरे टीचर थे, अब स्कूल में समय पे आना चाहिए, इसके लिए वो कभी भाषण नहीं देते थे, कभी शिक्षा नहीं करते थे, तब तो हम बहुत बच्चे थे। लेकिन मैं आज एनालिसिस करता हूं तो उनकी, उन्होंने बड़ी चतुराई की थी। उन्होंने एक डायरी लाए थे और डायरी सबको बताई, बच्चों को बोले सुबह जो पहले आकर के इसमें लिखेगा सेंटेंस, उसके बाद जो भी आएंगे उन सबको नीचे और सेंटेंस लिखना पड़ेगा। लेकिन मानो पहले ने लिखा कि सूर्योदय बहुत ही सुंदर होता है, तो फिर बाकी जो भी आएंगे उनको सूर्योदय या सुंदर पर ही लिखना पड़ेगा। तो हर एक को रहता था कि यार मैं कोई और लिखे उसको फॉलो करूं, मैं जाऊंगा। तो हमारे क्लासरूम में ये एक छोटी सी चीज थी, सबको रहता था। और बाद में जब साल भर के बाद देखा, इतने क्रिएटिव आइडियाज थे उसमें। मेरे एक टीचर, अभी उनका स्वर्गवास हुआ और वो करीब 98 थे आखिर में, आप हैरान हो जाएंगे, हर महीने 2 चिट्ठी मुझे आती थी उनकी, और चिट्ठी भी लंबी लिखते थे, रिटायर्ड हो गए थे तो समय भी था, लेकिन हैंडराइटिंग इतने शानदार हैंडराइटिंग, एट द एज ऑफ 98 मैं आज भी सारी चिट्ठियां मैंने संभाल के रखी है। और हर बार किसी किताब का रेफरेंस देना, कोई कोटेशंस मुझे लिख करके भेजना, किसी घटना का एनालिसिस करके भेजना, वो जीवन भर मेरे लिए टीचर ही रहे। मेरा कभी उनसे नाता टूटा नहीं। और मैं मानता हूं कि हम लोगों को ऐसे विद्यार्थी तैयार करने चाहिए जिनके जीवन में मां के बाद टीचर का स्थान होना चाहिए। और अगर वो मैं नहीं करता हूं तो कमी मेरी है, उस स्टूडेंट में नहीं है। मैं जब मुख्यमंत्री बना पहली बार, मुझे किसी ने पूछा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो मैंने कहा मेरी दो इच्छाएं हैं। एक, बचपन में मेरे साथ जो स्कूल में मेरे दोस्त पढ़ते थे उनको मैं 30-35 साल से मिला नहीं हूं, तो उनको मेरे घर बुलाना चाहता हूं। और दूसरा, मैंने कहा
जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है मैं उनका सार्वजनिक सम्मान करना चाहता हूं। तो मैंने मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक सम्मान का बड़ा कार्यक्रम रखा था और शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी देश के मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में अपने टीचर्स का सम्मान करना इसको प्राथमिकता दी।